गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। रिप्रोडक्टिव मेडिसिन मतलब हम पुरुष और महिलाओं के बांझपन और इन्फर्टिलिटी, निसंतानता का चिकित्सा करते हैं ताकि उनको एक बच्चा हो सके। और हमारी एक कोशिश रहती है कि जिनको बच्चा हो रहा हो उनको एक अच्छा बच्चा हो सके, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, प्रीनेटल डायग्नोसिस बोलते हैं, फीटल मेडिसिन बोलते हैं। इन सभी में हम काम करते हैं। हम रेगुलर ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, ICSI, टीसा, एमनियोसेंटेसिस और कोरियन बायोप्सी वगैरह करते हैं। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है जो कि हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। IVF से होने वाले बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, कैसे पता चल सकता है? IVF की प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी हम दोनों में मान के चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। किसी भी प्रेगनेंसी में हम मान के चलते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम डाउन सिंड्रोम या फिर कॉपी नंबर वेरिएशन, पर डाउन सिंड्रोम लोग ज्यादा समझते हैं। तो IVF की प्रेगनेंसी हो चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी हो, किसी भी प्रेगनेंसी में आपको ये चौकन्ना रहना पड़ता है कि बच्चे में कोई विकृति, शारीरिक रचना में कोई गड़बड़ी, स्ट्रक्चरल कोई डिफेक्ट है कि नहीं, बच्चे में कोई क्वालिटेटिव डिफेक्ट है कि नहीं। क्वालिटेटिव मतलब कोई उसका क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी जिसमें मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है वो है कि नहीं, माँ को प्रीएक्लेम्पसिया होगा कि नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। बट किसी भी प्रेगनेंसी में बच्चे का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एंटी स्कैन, एनाटॉमिकल स्कैन, ये सब करना बहुत जरूरी होता है और हम काफी हद तक आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक महीने में दो बार पीरियड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि यदि पीरियड रेगुलर है और बीच में आप ब्लीड करते हो, मैं सबसे पहले ये बोलता हूं कि बच्चेदानी का जो हम रेगुलर करते हैं, बच्चेदानी का, ये बच्चेदानी है, इसका जो मुंह है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, इस सर्विक्स का एक HPV PCR करा लेना चाहिए बगैर डरे। ये कैंसर का टेस्ट है, पर ये जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव आए तो तुरंत कैंसर हो जाएगा। नंबर दो, हम एक एग्जामिन करते हैं देखने के लिए कहीं यहाँ पर कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं है जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही हो। नंबर तीन, बहुत इंपॉर्टेंट, एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में ये समझ में आ जाता है कि यहाँ कोई फाइब्रॉइड या फिर कोई एडिनोमायोसिस या कोई कोई विकार बच्चेदानी में तो नहीं है जिसके कारण ये रेगुलर पीरियड, बीच में भी पीरियड दे रहा है। तो कोई भी पीरियड यदि 21 दिन से 35 दिन का हो रहा है तो वो नॉर्मल है, बट 10 से 15 दिन के आसपास में फिर से पीरियड आ जाए, ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जो मैं बोला उसकी सब जांचें कराना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए किस दिन इंटरकोर्स करना चाहिए? ये देवेन अपने को कई पेशेंट पूछते हैं yes. कि इंटरकोर्स कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना पेनिट्रेशन होना चाहिए। मैं इसमें एक अलग वीडियो बनाऊंगा और मोस्टली मैं प्रेगनेंसी के लिए जो नेचुरल प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उनको मैं एक ओवुलेशन कार्ड का एडवाइस देता हूं। कई लड़कियों को ओवुलेशन के समय एक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा पानी जैसा जाता है, वो जिस दिन मैक्सिमम होता है उस दिन इंटरकोर्स करना चाहिए। ओवुलेशन कार्ड यूज करना बहुत ईजी है घर में, यदि उसमें दो लाइन दिखे तो अगले दिन इंटरकोर्स करना चाहिए। पर अगेन मैं ये कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं कि आप दो दिन पहले भी यदि इंटरकोर्स किए हैं तो भी काम हो सकता है। कई बार ओवुलेशन के समय को जब हम बोलते हैं कि इंटरकोर्स होना चाहिए तो मेल पार्टनर इतना टेंशन में आ जाता है कि इरेक्शन ही नहीं होता और इंटरकोर्स नहीं हो पाता, और फैमिलीज इतनी परेशान होती है उसमें कि ऐसा जैसे कि कोई अपराध हो गया। तो एकदम उस अपराध बोध से नहीं ग्रस्त होना चाहिए, आप कभी भी इंटरकोर्स कर सकते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि ओवुलेशन के समय हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्रेगनेंसी के 7 से 8 महीने में ब्लीडिंग का क्या कारण होता है? प्रेगनेंसी के 7 से 8 महीने का ब्लीडिंग इज नॉट गुड। उसका कारण या तो जो बच्चेदानी में, बच्चेदानी का जो ये 7 से 8 महीने में जो बच्चा है भीतर, उसको सप्लाई करने वाला जो कनेरी या प्लेसेंटा है, वो प्लेसेंटा से ब्लीडिंग होती है। यदि ये प्लेसेंटा, यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो कई बार यहाँ से उखड़ भी जाती है, इसमें बच्चे को डेथ भी हो सकती है।
कई बार ये प्लेसेंटा यदि नीचे हो, उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, इसमें भी ब्लीडिंग होती है, बच्चे को डेथ भी हो सकती है। पर इस तरीके की चीजें यदि हो रही हैं तो आप अपने डॉक्टर का सलाह लीजिए और सलाह को मानिए। यदि वो सोनोग्राफी की सलाह देते हैं तो आप अपना सलाह मत लीजिए, उनका सलाह मान के सोनोग्राफी करा के कारण खोजिए कि क्यों हो रहा है। यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो कई बार ऑपरेशन जल्दी भी करा लेना चाहिए सिजेरियन के द्वारा। लो स्पर्म काउंट में एक बार प्रेगनेंसी हो गई है, क्या नेक्स्ट टाइम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि लो स्पर्म काउंट ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। मेरे पास में 5 मिलियन वाले भी जो IVF के लिए वेटिंग थे, वेटिंग पीरियड में ही प्रेग्नेंट हो गए। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि लो स्पर्म काउंट में नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होती। और दूसरी बात, यदि नेचुरल प्रेगनेंसी हुई है और अब यदि नहीं हो रही तो फीमेल का भी कारण खोजना चाहिए, कहीं ट्यूब में प्रॉब्लम ना हो। और आप अपनी जांच जरूर करा सकते हैं, लो स्पर्म काउंट में भी प्रेगनेंसी हो सकती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अगेन आई एम अपीलिंग ऑल ऑफ माई व्यूअर्स, प्लीज़ आप इस चैनल को देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, व्यूज़ मिलते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्रिप्शन करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमको अच्छा लगता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।